स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिस अबुनिसा एंड दिस इज़ योर बायोलॉजी क्लास फोर ग्रेड 10। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 11 एंड द टॉपिक इज़ होम्योस्टेसिस। एंड इन होम्योस्टेसिस वी आर डूइंग यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। द कॉनकेव साइड किडनीज है two sides, concave and convex. You can look at this diagram. Look at this. This is a longitudinal section of a kidney. This is longitudinal, और आप ये कह सकते हैं lengthwise cut किया हुआ है. This is a longitudinal section of a kidney. It has two faces, concave. This one is concave and this is convex. ठीक है, the concave side of kidney faces vertebral column, यानी हमारी जो बैक बोन है उसकी तरफ कौन सी साइड है, this one, this is concave side. ठीक है, there is a depression called hilus. अब ये देखें कि जो पेंसिल से आपको मैं प्रोमिनेंट कर देती हूँ, ये चीज़ जो है कि एक डिप्रेशन से है अंदर की तरफ, इसको हम हिलस कहते हैं. नियर द सेंटर ऑफ कॉनकेव एरिया ऑफ किडनी, यानी ये सेंटर है कॉनकेव एरिया का, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है हिलस, और ये वो एरिया है, दिस इज़ द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरिटरी लीव्स किडनी. ये देखें यूरिटर, ये यूरिटर जो है किडनी से बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है. एंड अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, lymphatic vessels and nerves enter and leave kidney. ये देखें, renal arteries, renal veins, renal pelvis enter भी करती हैं, leave भी करती हैं, और यही वो point है hilus, जहाँ से जो ureter leave the kidney. So the longitudinal section of kidney show two regions, renal cortex, the outer part of kidney, and is dark red in color. This is renal cortex, और ये outer part है kidney का, and this is dark in color, as you can see in the diagram. And the renal medulla, the inner part, this one, the inner part of kidney is the renal medulla, and is pale red in color. And renal medulla consist of several cone shaped areas called pyramid. These are pyramids. This one, cone shape, ये आप देख सकते हैं. These are the pyramids. Renal pyramids project into a funnel shaped cavity. This is funnel shaped cavity called renal pelvis. This is renal pelvis. And this is the base of ureter. So we done the external structure, then the internal structure divided into two parts, renal cortex, the outer part or part of kidney and dark red in color, the inner part the pale red in color called renal medulla, and it consists of several cone shaped areas called renal pyramids, and renal pyramids project in a cone shape area or cavity you called renal pelvis, and this is the base of ureter. This one, ये ureter है और यही इसकी यहाँ पे base है. ठीक है, next, like every organ, the फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन. यानी इसका यह मतलब है, एक बहुत सिंपल सी मैं एग्जांपल अक्सर स्टूडेंट्स को देती हूँ कि जैसे बिल्डिंग्स जो हैं वो ब्रिक्स से, ईंटों से मिलके बनी हैं, इसी तरह हर बॉडी ऑर्गन जो है उसका एक फंक्शनल यूनिट है जिससे वो मिलके बनता है. और जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है. इसी तरह हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका सबका भी कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और किडनी का बिल्डिंग ब्लॉक है नेफ्रॉन.
ठीक है, क्लियर। द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। ठीक है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल। टू पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, एक होता है रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, रीनल कैप्स्यूल और रीनल कॉर्पसल्स एंड द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल्स इज नॉट अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स दैट आर ग्लोमेरुलस एंड बोसमैन कैप्स्यूल। दिस पोर्शन इज रीनल कॉर्पसल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड बोसमैन कैप्स्यूल। ग्लोमेरुलस इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यानी इसमें बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं। वाइल द बोसमैन कैप्स्यूल इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर। ये बाहर देखें जो ब्लैक में है, दिस इज़ कप शेप स्ट्रक्चर एंड दैट कवर्स द और इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ऑल दैट एंड यू कैन सी द रीनल ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट्स आफ्टर बोसमैन कैप्स्यूल। ये देखिए यहाँ से, सॉरी स्टूडेंट्स, स्लाइड्स के जाने की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। वी वर डूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दैट इज़ द रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पसल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, दैट इज ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड इज इनक्लोज बाय अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बोसमैन कैप्स्यूल। फ्रॉम हेयर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन स्टार्ट, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट्स आफ्टर बोसमैन कैप्स्यूल, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दैट वन। ये जितना ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप, एज यू कैन सी इन दिस इज यू शेप पोर्शन एंड इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली इज कंसिस्ट ऑफ टू डिसेंडिंग लिंब एंड असेंडिंग। डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ आ रही है और असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जा रही है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। दिस वन इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन्स इनटू सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज सिंगल कलेक्टिंग डक्ट और इसमें बहुत सी दूसरी और भी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं वो आती मिलती हैं और वो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठी हो जाती हैं। जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल हंड्रेड पेपिलरी डक्ट्स विच ड्रेन टू द रीनल पेल्विस, और वो फिर कहाँ पे पहुँच जाती हैं, रीनल पेल्विस में, यहाँ तक। ठीक है, ये एक किडनी है बीन शेप, इसमें से एक ये रीनल पैरामिड शो किया गया और रीनल पैरामिड में ये देखें, इसको ये वाला जो सारा पोर्शन है इसको प्रोमिनेंट करके दिखाया गया, यहाँ तक फिर यूरिन जो आता है। ठीक है, नाउ आई होप यू विल बी क्लियर इन स्ट्रक्चर ऑफ आ नेफ्रॉन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फंक्शनिंग ऑफ किडनी, के हाउ डज किडनी वर्क। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल रीड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। द फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन, विच टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप्स में होता है यूरिन फॉर्मेशन। द फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ब्लड एंटर होता है किडनी में वाई द रीनल आर्टरी। यहाँ से ये देखिए, ये ब्लड यहाँ से आर्टरी से रीनल आर्टरी से एंटर होता है। इट गोज टू मैनी आर्ट्रियोल्स एंड देन टू द ग्लोमेरुलस। फिर ये
आता हुआ पास होता है, यहाँ ग्लोमेरुलस में आ जाता है, ठीक है। और फिर जो है द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई एंड सेट मोस्ट ऑफ द वाटर सॉल्ट ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ ब्लड इज फोर्स्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और यहाँ पे जो है बहुत सारा सॉल्ट वाटर, जब यहाँ पे ग्लोमेरुलस तक ब्लड पहुँचता है, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ब्लड का, और बहुत सा पानी सॉल्ट ग्लूकोज और यूरिया जो ब्लड में होता है ग्लोमेरुलस से बाहर निकल जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, और इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और जिस ब्लड में से जब वो एक्सेस वाटर सॉल्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो वो वापस बॉडी में चला जाता है। अब यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो आ जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब हम करेंगे सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था? प्रेशर फिल्ट्रेशन, और वो कहाँ पे हुई? ग्लोमेरुलस में, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप इज़ द सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। इन दिस स्टेप अबाउट 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज़ रीअब्सॉर्ब्ड। दोबारा उसमें रीअब्सॉर्प्शन होती है इन टू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल को जो कैपिलरीज सराउंड करती हैं उसमें दोबारा से अब्सॉर्प्शन जो होती है किसके ज़रिए? थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। अब यहाँ पे दोबारा रीअब्सॉर्प्शन हो रही है इस पार्ट में, फिल्ट्रेट जो यहाँ से आ गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और यहाँ से दोबारा रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। हेयर सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉल्ट दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, एंड देन वाटर फ्लोज बाय ऑस्मोसिस। अब आ जाती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलिंग, और यहाँ पे क्या होती है? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली होती है उसमें क्या होती है? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, यू कैन सी, ठीक है। डिसेंडिंग में वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है और असेंडिंग में सॉल्ट की होती है। अब फिल्ट्रेट यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, थर्ड पार्ट में, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ फिर दोबारा रीअब्सॉर्प्शन होती है किसकी? वाटर इनटू द ब्लड। द थर्ड स्टेप इज़ ट्यूबुलर सेक्रीशंस, ठीक है। अब क्या होता है कि ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन, कैरेटिनाइन, यूरिया आर सेक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल, और ज़्यादा उसमें ब्लड में आ जाते, सॉरी फिल्ट्रेट में आ जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल में। दिस इज़ डन टू मेंटेन ब्लड एट नॉर्मल पीएच नॉर्मल रखने के लिए ऐसा होता है। आफ्टर ऑल द मेंशन स्टेप द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल इज़ नोन एज यूरिन। अब क्या, जब यहाँ पे सारी सब कुछ रीअब्सॉर्प्शन हो गया तो इसको यूरिन कहते हैं। इट मूव्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट एंड इनटू द पेल्विस, और फिर कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, फिर उसके बाद पेल्विस में आ गया, जो कि हमने पहले पढ़ा कि पेल्विस का क्या स्ट्रक्चर है? प्रोजेक्शन है, ठीक है, कैविटी है, कोन लाइक कैविटी, उसमें जो है वहाँ तक पहुँच जाता है। दिस इज़ द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। योर होमवर्क इज लर्न यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी एंड दैट ऑफ नेफ्रॉन। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।